हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी साबुदाना वड़े। तो देखते हैं इसकी रेसिपी। साबुदाना वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप साबुदाना, 1/2 कप रोस्टेड मूंगफली, 2 बॉइल्ड आलू, काली मिर्च, सॉल्ट स्वाद अनुसार, कोरिएंडर, 4-5 ग्रीन चिली, 1/2 टेबल स्पून शुगर, तलने के लिए ऑयल और कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं होगा तो आप चावल के आटे का यूज कर सकते हो। सबसे पहले हमें साबुदाने को 2-3 बार पानी से वॉश कर लेना है, फिर इसे 2-3 घंटे के लिए भिगोकर रखना है। तो इस तरह से हमारे पास ये भिगोया हुआ साबुदाना है। मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है और हमारे पास ये क्रश किया हुआ मूंगफली है। अब हम एक बाउल में साबुदाना लेंगे, उसमें ग्रेटेड आलू, रोस्ट एंड क्रश किया हुआ साबुदाना, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, सॉल्ट स्वाद अनुसार, शुगर 1/2 टेबल स्पून, कोरिएंडर लीव्स, और कट किया हुआ चिली। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब वड़े बनाने के लिए हमें हाथों में ऑयल लगाना होगा। अब हम वड़े बनाएंगे। इस तरह से हमने सारे वड़ों को तैयार कर लिया। अब हम इसे तलेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम वड़ों को तलेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसे तब तक फ्राई करना होगा जब तक इसकी दोनों साइड गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए, ये हमारा क्रिस्पी और टेस्टी साबुदाना वड़ा बनके तैयार हो चुका है। आप इसे दही या सॉस के साथ खा सकते हैं।